तो जुबान के सेट पे कुछ ऐसा हुआ था जो शायद जिन्होंने जुबान देखी भी है उनको भी इसके बारे में नहीं पता होगा। तो सब जानना चाहते हैं क्या किस्सा है सर ये। जुबान में एक किस्सा नहीं था। अच्छा, दो किस्से थे। वो इतनी इंग्रेव्ड है ना, मतलब वो फिल्म का एक एक मोमेंट, एक एक शॉट। पहला तो ये था कि जब फिल्म में एक सीन आता है, मतलब सीन नंबर 3 है फिल्म का, उसमें मतलब कुछ यंगस्टर्स हैं उनमें आपस में भिड़त हो गई है, तो वो लड़ रहे हैं और एक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो वो ना एक्चुअली जस्ट नेक्स्ट टू द हाईवे वो प्लॉट लिखा गया था, और वो वहीं पर हमें फॉर्चुनेटली लोकेशन भी मिल गई। अच्छा। और हम वहाँ पे फिल्म कर रहे हैं, पुलिस आ गई, एक्चुअल पुलिस आ गई। तो जब पुलिस आई गई तो फिर मैंने अपने प्रोडक्शन हेड को पूछा, मैंने कहा कि पुलिस तो हमने कॉल ही नहीं की थी सीन में, तो पुलिस कैसे आ गई। तो ना वो चलते शॉट में मेरे पास आके कार में कहता, सर ये असली वाली है। तो इट वाज अ सरप्राइज यू कैन से, क्योंकि एक्चुअली सीन जो एनेक्ट हुआ ना वो इतना रियल था। मतलब कि हाईवे पेट्रोलिंग नेचुरली कहीं भी शूटिंग हो रही हो तो पुलिस रुकती है और देखती है कि हाँ इफ थिंग्स आर इन ऑर्डर, कि कहीं लोग कुछ पंगा तो नहीं कर रहे। तो फिर वो मिले, उनको पता लगा शूटिंग हो रही है, और हमारे पास पूरे पेपर वर्क था तो थिंग्स वर फाइन। बट एक बार जो एक्टर्स है ना उनको तंगरा गए कि पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। तो दूसरा किस्सा तो और भी मजेदार था। अच्छा। तो हमारे माननीय एडिटर साहब ने पूरी फिल्म देख ली डार्क रूम में बैठ के, इतना मॉनिटर लगा के, वो देख के कहते ना सर इसमें ना एक कनेक्टर शॉट चाहिए हमें, कनेक्टर शॉट। अब डिमांड आई है तो फुलफिल करेंगे हम, बिल्कुल। तो हम आधी रात को चले गए अब गांव में, और वहां पे देखा कि हाईएस्ट पॉइंट क्या है पूरे विलेज को कैप्चर करने का। देखा वहां पे एक टैंकी है पानी की। अच्छा। पानी की टैंकी देखी ऊपर, और उसको टैंकी का जो रास्ता जाता था ना, वो कुछ थोड़े थोड़े छोटे छोटे घर बने हुए थे उनके बीच में से रास्ता होके जाता था, और कोई वे आउट था नहीं, ठीक है। और जहां पे टैंकी थी वहां आसपास पिच डार्क है। तो मैं और मैंने कहा आपकी डिमांड आई है तो आप साथ ही चलेंगे अब हमारे। तो हम दोनों गए और ऊपर चढ़े। अब जैसे चढ़े तो सीढ़ी ऐसे घूम के स्पायरल होके जाती है, ठीक है, ठीक है। और जो स्पायरल होके जो सीढ़ी जा रही है उसके साइड में कोई सपोर्ट तो है नहीं। तो एक तो हवा चले, ऊपर से हम अंधेरे में चढ़े, ठीक है। तो बचत के लिए क्या टॉर्च जलाई गई, मतलब टॉर्च नहीं क्या मोबाइल की लाइट जला दी। नीचे गांव में लोगों ने स्पॉटिंग कर ली। तूने कह रहा था ना सर आपको स्पॉटिंग होती तो कैसा लगता है। तो उन्हें क्या लगा कि रात को कोई चढ़ रहा है तो कोई छलांग ना मार दे, कुछ वो ना कर दे। तो उन्होंने आवाज मार मार के चींचे के सारे घर और थोड़े लोगों को इकट्ठा कर लिया। शुक्र है मुझे उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। अच्छा। तो फिर हम ऊपर गए और एक टांग कांप रही है, मैंने भी उनको बोला, मैंने कहा भास्कर जी आप मुझे पकड़ के रखो। फिर हमने फटाफट शॉट लिए वहां से, ठीक है। और फिर नीचे उतरे, तो उन्होंने कहा कि आप ऊपर क्यों आ करने गए थे, किससे पूछ के चढ़े थे। तो पूरी हमारी जांच पड़ताल हुई, उनको समझाया, फिर उनसे बातचीत हुई। पर वो दैट वाज अ टाइम एक्चुअली छत पे चढ़ना आधी रात को ना टंकी पे, वो एक एक्सपीरियंस था। हाँ सर ये तो बहुत ही अतरंगी किस्सा था, मतलब आधी रात का वक्त और दो लोग चढ़ रहे हैं टॉर्च लाइट लेके टंकी पे, फोन की लाइट। ऐसी और कोई बढ़िया से किस्से सुनाओ सर, आज तो किस्से सुनने का मन है सबका। किस फिल्म का सुनना है ये बता, किस फिल्म का सुनना है सर। मुझे अब गारंटी पता है इसके सूत्रों ने, इसने इतनी फिल्में देखी भी नहीं है। ये वाला कट कर देना। इतनी फिल्म तूने देखी क्यों नहीं। देखी है मैंने, देखी है। कम टू दैट। और कोई मजेदार किस्से हो सर वो। जुबान भी था एक, तो कमलप्रीत जब आए तो उन्होंने मेरे को कहा कि पाजी ये पिक्चर तो थोड़ी सी लिखी है ना, कमाल लिखती है। मैंने पहनना क्या है इसमें, मैंने बोलना क्या है। अच्छा। मैंने कहा इसमें बस दो काम है जो आपने नहीं करने, एक तो अच्छा पहनना नहीं है और बोलना तो बिल्कुल ही नहीं है। पहले तो वो नाराज ही हो गए, इतने नाराज हो गए कि उन्हें एक घंटा समझ ही नहीं आया बात क्या करनी है। When he understood the script once again, then he said कि ये पिक्चर मैंने करनी है। मतलब एक होता है ना कि मैं बोलूंगा, मैं लाइनें याद करूंगा, और पूरी पिक्चर में आपको समझ में आया कि आपको तो कुछ बोलना ही नहीं है। तो वो फिर उनका था। लास्ट डेट में बड़ा मजेदार किस्सा था, उसे सुनाऊंगा। तो अभय आए और हम पूरा फील्ड्स में वॉक कर रहे, शॉर्ट प्लानिंग चल रही। तो ही वाज सो, मतलब इतने वेल ग्रूम्ड वेल क्राफ्टेड पहुंचे। और फिर इन द एंड उनको फिर खेतों में काम करना था। अच्छा। तो खेतों में काम कर करके ना मेरे को जब शूट खत्म हुआ तो उनका मुझे फोन आया, कहते कि मेरी इतनी टैनिंग हो गई जा ही नहीं रही है। तो सेम कमलप्रीत के साथ भी हुआ, उनको मेकअप नहीं कराया हमने, हमने कहा कि आप ना घूमो। अच्छा। तो आपकी जो असली लुक आएगी ना वो मुझे फिल्म में चाहिए। तो एक्चुअली इतने अच्छे एक्टर्स परफॉर्मर्स हैं, दे सरेंडर देमसेल्व्स टू द फिल्म, और
इन दी एंड शायद उनका ट्रस्ट है कि मतलब उनको लगता है कि नहीं पिक्चर इन दी एंड बहुत अच्छी उठ के आएगी। तो बहुत लोग बहुत फिल्मों में साथ हुआ है, जेएस लाइव हमने फिल्म की उसमें जगदीप ने बहुत रिस्क प्ले किया बट पिक्चर इन दी एंड वर्क की। तो मुझे लगता है कि अच्छा है, सब फिल्मों में कुछ ना कुछ किस्से हुए ही हुए। मेरा का तो ये मानना है सर कि किस्सों की तो कोई कमी होगी ही नहीं, किस्से तो जितने सुन लो उतने ही कम है। नहीं, कुछ ज्यादा भा जाते हैं तो उनकी फिल्म बना देते हैं। और भी हम कुछ मजेदार लेके आए हैं और वो है हमारा RFE ऑफिशियल मर्चेंडाइज। उसका लिंक जो है आई थिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जहाँ पे भी ये वीडियो देखने के लिए आपके पास अवेलेबल होगी तो वो लिंक भी आपको साथ में मिलेगा। नहीं, सबसे पहली अनाउंसमेंट तो ये है कि रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट का जितना भी कॉन्टेंट है, जितनी भी मूवीज, पॉडकास्ट, टॉक शोज, सारा कुछ अब आपके लिए अवेलेबल है देखने के लिए rollingframesentertainment.com पर। और ये बिल्कुल फ्री टू वॉच कंटेंट है, बहुत कुछ आने वाला है RFE की तरफ से। ऑल यू नीड टू डू इज टू स्टे ट्यून्ड इन एंड देखते रहो, जो भी अपडेट्स आती रहती हैं, जो भी अनाउंसमेंट होती रहती हैं, उनके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आस्क ओजस्वी।